अब्दुल कादिर हूँ। क्यों? अगर तुम्हें जिंदगी में सिगरेट नहीं पीना तो समझो कुछ भी नहीं किया। कम ऑन एक यू प्लीज, कम ऑन जस्ट वन फॉर मी। भूला मैं तेरा मेरा निशान। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मिल जाएगा, हो सकता है तुम क्लिनिक भूल आई हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं मोबाइल क्लिनिक लेकर ही नहीं गई थी, वो यहीं पड़ा था घर में, मेरे कमरे में था। पर कहाँ जा सकता है कोई नौकर? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, सब लोग इतने पुराने और रिलायबल हैं। मुझे मालूम है कि ये किसकी हरकत है। किसकी? जरीन की। जरीन ने तुम्हारा मोबाइल, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे यकीन है कि ये जरीन की ही हरकत है, और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि वो ऐसा क्यों करेगी, तो आई मस्ट से वो कुछ भी कर सकती है। आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। इससे पहले कि हम मजीद शॉक्ड हों, उसके पेरेंट्स से कहिए कि वो जल्द अज जल्द उसको आके यहाँ से ले जाइए। अब हम मजीद उसकी चौकीदारी नहीं कर सकते। मेबी यू आर राइट। बेटो, नहीं वो बाबा, आई नीड सम मनी। कितने पैसे चाहिए? 20 से 25 हजार रुपए। व्हाट? 20-25 हजार? आर यू गोइंग टू गिव मी द मनी और नॉट? माइंड योर टोन अब्दुल कादिर, आज से पहले तो तुम्हें 500 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन आज पड़ गई। आप बताएं, आप देंगी या नहीं? दिस इज नो वे टू स्पीक टू योर मदर। सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। और वो तुम हर बात पे मुझे क्यों इल्जाम देती हो? तुम ये नहीं सोचती कि ये तुम्हारी खामखा की रोक टोक और सख्तियों का नतीजा है? आप लोगों से बात करना ही फजूल है। इट्स यूज़लेस। I don't believe this. से हुआ क्या है? उसी लड़की ने किया है ये सब कुछ। ये उसी लड़की का कसूर है, मैं बता रही हूं। For God's sake, तुम खामखा किसी पर शक क्यों करती हो? तुम उस लड़की को जानती नहीं हो, उससे मिली नहीं हो। मुझे लगता है कि अब मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। जुड़ा है मुझसे जुदा है।
नेक्स्ट टर्न एक्यू की है। क्यों एक्यू? एक्यू यार मुझे च्युइंगम दिला दोगे? एक्यू यही उम्र है हमारी एडवेंचर्स करने की। सीधे सादी जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। सीरियसली। हाँ यार अब्दुल कादिर, होते कहाँ हो तुम आजकल? फोन भी अटेंड नहीं करते, सब खैरियत तो है? ओ एक्चुअली फराज, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी यार। पैसे? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कोई 20-25 हजार रुपए। 20-25 हजार? यार इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 10-15 हजार रुपए हैं, इनसे काम चल जाता है तो। फिलहाल इतने काफी हैं, थैंक। वैसे मैं पूछ सकता हूँ इतने पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? कुछ खास नहीं यार, बस ऐसे ही जरूरत पड़ गई। कहीं अंकल आंटी ने पॉकेट मनी तो बंद नहीं कर दी ना तुम्हारी? नहीं नहीं, पॉकेट मनी बंद नहीं थी, लेकिन पॉकेट मनी इतनी लिमिटेड होती है यार, उससे क्या होता है आजकल। हाँ यार ये तो तू ठीक कह रहा। वैसे कर रहे क्या हो आजकल तुम? इतना अरसा हो गया, दोस्तों को भी शक्ल नहीं दिखाई तुमने। अच्छा मैं चलता हूँ यार, थैंक्स। हाँ और मामा पापा को प्लीज़ पैसों के बारे में मत बताना, मेरे पास जैसे ही आएंगे आई विल गिव इट बैक टू यू। ओके थैंक्स, बाय। सर ज़ैनी बीबी को बुलाओ। वो तो क्लिनिक गई हैं। क्लिनिक गई हैं? लेकिन वो तो शाम को क्लिनिक जाती हैं। आज इमरजेंसी कॉल आ गई थी, वो टाइम से पहले चली गई हैं। घर पे कोई नहीं है? ज़रीन बीबी। ज़रीन कौन? साहब जी की भतीजी। जरा उन्हें बुलाओ। जी जी। So you are Zareen? Yes, I'm Zareen. But who are you? Meera. Meera Siddiqui. Kaun Meera? Abdul Qadir ki maa. Abdul Qadir? Oh, you mean AQ? To AQ ki ammi hai aap. Isme hansne ki kya baat hai? What's so funny? Hansne ki baat hi to hai. AQ jaise ladke ki आप जैसी माँ। एक ही को क्या बनाया हुआ है आपने? मामस बॉय। ज़बान को लगाम दो। किस बात पे इतना गुस्सा खा रही हैं आप? आपको तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। किस बात पे तुम्हारी थैंकफुल हूँ मैं? अब्दुल कादिर को बिगाड़ने पर? कैसे बिगाड़ा है मैंने उसे? था क्या मुझसे मिलने से पहले? मामस बॉय ही तो था। वो जैसा था जो था उसे वैसा ही रहने दो, और आइंदा उससे मिलने की कोशिश मत करना, तुम समझी? मैं किससे मिलूंगी और किससे नहीं मिलूंगी इस पे आप कौन होती है मुझे डिक्टेट करने वाली? मैं उसकी माँ हूँ और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुमने उससे नहीं मिलना। अगर आप चाहती हैं कि मैं एक ही से ना मिलूं तो आप उसको लगाम दें, मुझ पे यहाँ आकर रोब ना झाड़े आप। डू यू अंडरस्टैंड? मैं देख लूंगी तुम्हें, देख लूंगी मैं। देखो शफक, तुम तो जानती हो कि मैं आयशा के बारे में क्या फीलिंग्स रखती हूँ। नहीं नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत बदल गया है।
हाँ यही तो मैं चाहती हूँ, आयशा यहाँ आए, ये दोनों आपस में कुछ मिलें जुलें, कोई इनकी शायद दोस्ती हो तो ठीक है। ओके फिर तुम मुझे बता देना कौन सी फ्लाइट। अच्छा खुदा हाफिज़। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम बाहर जा रहे हो, लेकिन किससे मिलने जा रहे हो? फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। अपने फ्रेंड से या ज़रीन से? मीरा फॉर गॉड सेक, तुम आइंदा ज़रीन से नहीं मिलोगे। क्यों, क्यों नहीं मिलूंगा? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात आयशा के साथ पक्की कर दी है, कीप दैट इन माइंड। व्हाट, ये क्या कह रही हो? इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। जो मैं कह रही हूँ वही होगा, सुन लिया तुमने? लेकिन मामा, मुझसे बहस मत करो अब्दुल कादिर, तुम जानते हो मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। हेलो आंटी। आयशा मेरी जान, कैसी हो, कैसा गुजरा सफर? बिल्कुल ठीक। हाय अंकल, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाय अब्दुल कादिर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो आई है आयशा, उसको कंपनी दो। आओ आयशा आओ। तुम बहुत बदल गए हो अब्दुल कादिर। As in, last time, जब मैं आई थी तब तो Do you want to eat something? Sure, why not? जो भी तुम्हें पसंद हो। जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद हो वो तुम्हें भी पसंद हो। I'm willing to take the risk. लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ भी पसंद नहीं है। अरे अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए? वो इसलिए कि Just forget it. तुम कब तक हो यहाँ? क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम तो मामा की गेस्ट हो। क्यों, मैं तुम्हारी गेस्ट नहीं हूँ? इनफैक्ट यहाँ आकर तुम्हें देखकर तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो सोच रही थी कि बस करो, फट जाओगे बॉबी किसी दिन तुम। क्या है, खाने दो ना यार। एक तो तुम अपनी जेब से एक पाई खर्च नहीं करते, और फिर तुम दूसरों का हिस्सा भी हड़प कर लेते हो। खिला दूंगा, मरे क्यों जा रहे हो? खा लेने दो इसे, शहीद खुराक का टाइटल मिलेगा। पता खाने से भी कोई मरता है? लोग तो भूख से मरते हैं। तुम्हारे जैसे लोग मरते हैं जो सिर्फ खाने के लिए जीते। वाह, वेल सेड पाशा, अ बिग हैंड फॉर यू। भूखा मरने से बेहतर है खा के मर जाऊं। यू आर इम्पॉसिबल बॉबी, एक्यू को जरा देखो, सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाता है वो। I think I should go now. मामा इंतजार कर रही होंगी घर पे। मामा's boy, इंतजार करने दो उन्हें, तुम कोई बच्चे थोड़ी हो। कैसी बातें करती हो जरी? Don't you know? AQ is a nice boy. Ooh, AQ is a nice boy. Excuse me, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी, sure. Thanks. दरअसल मैं काफी देर से आपको यहाँ अकेला बैठा देख रही थी। मैं भी अकेली थी, सोचा आपके पास बैठ जाऊँ। जी, वो एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आई थी। I guess वो किसी काम से बाहर गया है, अभी आ जाएगा। वो लड़का जो यहाँ आपके साथ आया था, उसका नाम अब्दुल कादिर है। आप उसे जानती हैं? जी हाँ, वो मशहूर डिजाइनर मैडम मीरा सिद्दीकी का बेटा है। अरे हाँ,
मेरे ख्याल से अब वो वापस नहीं आएगा, आपको चले जाना चाहिए। How can you say this? मेरा मतलब है काफी देर हो चुकी है, हो सकता है वो किसी जरूरी काम में उलझ गया हो। अगर आप कहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। हम कुछ देर इंतजार कर सकते हैं प्लीज? श्योर। Unbelievable. कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? तुम मुझे मिडिल क्लास के ताने देती हो और खुद मिडिल क्लास माँ वाली हरकत की है तुमने। ओ प्लीज, मैं क्या कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। क्या कर रही हो? अब्दुल कादिर और आयशा, तुमने मुझसे मशवरा करना जरूरी नहीं समझा, अब्दुल कादिर से पूछना जरूरी नहीं समझा और ये रिश्ता तय कर दिया। तो क्या करूं, अब्दुल कादिर को उस लड़की के हाथों में खेलने दूं? तुम जानते हो वो लड़की कैसी है? अब्दुल कादिर को बर्बाद करके रख देगी वो, बल्कि वो तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम सिर्फ एक पोजेसिव औरत हो, तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हो कि अब्दुल कादिर अपनी जिंदगी के रास्ते खुद तलाश करे। जिस रास्ते पर अब्दुल कादिर चल रहा है ना, वो सीधा एक गहरी खाई में जाता है। और जिस रास्ते पर तुम उसे लेकर जाना चाह रही हो उसके आगे भी गहरी खाई है, याद रखना। प्लीज प्लीज मीरा, अब्दुल कादिर पर जबरदस्ती मत करो, उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। क्या चाहते हैं आप, सब कुछ जानते हुए भी मैं उसे बर्बादी के रास्ते पर चलने दूं? नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। प्लीज देखो, हम बच्चों को सिर्फ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी जिंदगी में तजर्बा करना चाहता है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे समझाया था, लेकिन देखो क्या हुआ। पछता रहे हो? मैं भी बहुत पछता रही हूं, लेकिन मैं अब्दुल कादिर को पछतावे की आग में जलने नहीं दूंगी। तुम नहीं समझोगे। समझती हूं, सब समझती हूं मैं, और तुम बेफिक्र रहो क्योंकि मैं नूर अब्दुल रहमान नहीं बनूंगी। अच्छा मजन, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, अपना और अब्दुल कादिर का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, मैं आता जाता रहूंगा। चले से देखिए। मुझे पता है बेटा, जाने वाली कभी लौट कर नहीं आती। जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की अमान में दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आऊंगा। मिलने आओगे, लौट कर कभी नहीं आओगे। इस हकीकत को मैं और तुम्हारे अब्बा जितनी जल्दी तस्लीम कर लें बेहतर होगा। नहीं, मैं अब्दुल कादिर को नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं, कहीं नहीं। आयशा, अब्दुल कादिर कहाँ है? आई डोंट नो। What? क्या मतलब? आंटी, अगर उसका मूड नहीं था जाने का तो बता देता। इस तरह मुझे अकेले छोड़ के वहाँ चला गया कि was feeling like an idiot। मैं वहाँ पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम यहाँ हो। और मैं जो idiots की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसका अंदाजा है तुम्हें? कि मैं क्या सुन रही हूँ अब्दुल कादिर? वो तो शुक्र है रायना मिल गई, उसी ने मुझे घर ड्रॉप किया, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अब्दुल कादिर, I wasn't feeling well। क्या हुआ? वो मुझे सफोकेशन हो रही थी तो I just went out to get my inhaler। Oh, I'm so sorry। लेकिन तुम मुझे फोन कर देते या मुझे अपने साथ ही ले जाते, इस तरह अकेले छोड़ के चले गए। I was feeling really awkward। I'm sorry, मेरे ध्यान से निकल गया। It's okay। Auntie, I'll just go up and you know rest। हाँ बेटा जाओ, तुम्हारा लेफ्ट साइड पे है कमरा। So sorry, हाँ। मैं भी चलता हूँ, रुक जाओ। ये तुम्हें सांस की प्रॉब्लम कब से होने लगी? जब से आपने मेरी हर सांस पर चेक रखना शुरू कर दिया तब से।
मैं तुम्हारी सांसों को चेक करूंगी, मुझे हक है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी हरकतों को भी चेक करूंगी। देखो आइंदा तुमने आयशा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी। अगर आप चाहती हैं कि मैं आयशा के साथ कोई बदतमीजी ना करूं तो उसे मेरे सर पर सवार मत कीजिए। आस्ता बोलो तो क्या करूं, उस लड़की को तुम्हारे सर पर सवार होने दूं? पहले ही उसने तुम्हारा सत्यानाश करके रख दिया, अपनी माँ के आगे जबान चलाने लगे हो तुम। प्लीज उसके बारे में कुछ मत बोलिए आप। मैं उसके बारे में ये सब कुछ कहूंगी और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं आयशा को तुम्हारे लिए पसंद कर चुकी हूँ, दैट्स इट। लेकिन आयशा मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। जाऊंगा, हर उस फैसले के खिलाफ जाऊंगा जो मुझे पसंद नहीं है। और उस नैना को समझा दीजिए मेरा पीछा मत किया करे, वरना मैं समझा दूंगा उसे और अच्छा नहीं होगा फिर। पार्ला किसे फोन कर रही हो तुम? गधे पाशा को, पत्नी कहाँ मर गया, फोन ही नहीं उठा रहा। कहीं मर गया तो मरने दो ना उसे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कम ऑन AQ, दोस्त है वो मेरा जिस तरह तुम मेरे दोस्त हो। कल मैं इसी तरह बार बार तुम्हें फोन नहीं कर रही थी। क्या हुआ? कहीं बिजी होगा वो, तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास, आज सिर्फ तुम्हें चिल करते हैं। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारी अम्मी का एक फोन आ जाए ना तो तुम मुझे छोड़ छाड़ कर उनका पल्लू पकड़ कर किसी और रास्ते पे चल दोगे। नहीं जी, अब तो मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम्हारी तरफ ही जा रहा है। ओए बहुत डायलॉग सीखे हैं, कौन सी मूवी देखी थी कल? I'm serious. तुम वो नहीं क्यों, तुम हर वक्त सीरियस होते हो, कभी तो नॉन सीरियस हो जाए करो। तुम ये फोन करना बंद कर दोगी ना तो मैं सीरियस होना भी बंद कर दूंगा। चलो छोड़ दिया, खुश। ऐसा एक बात तो बताओ, तुम पाशा से थोड़ा चिढ़ते नहीं हो? नहीं, मैं क्यों चिढ़ूंगा उससे। अच्छा तो तुम अभी बहुत खुश हो रहे थे जब मैं उसे फोन कर रही थी। वो मैं तो पाशा का फोन। हेलो, अच्छा मैं और रिकी फिर आ रही एक दो मिनट में। ओके बाय। आपने बात की भाईजान और भाभी से? अगले हफ्ते आ रहे हैं वो लोग। उनसे कहें प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझसे इस लड़की के अब तौर तरीके बर्दाश्त नहीं होते हैं। क्यों, अब क्या हो गया? खुद तो है ही वो बिगड़ी हुई, अब उस बेचारे मासूम से अब्दुल खादिर को भी बिगाड़ी है। मुझे तो पलविशा और शंदाना की फिक्र लगी रहती है। बाय द वे, तुम जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं। आप तो सारा दिन और सारी रात हॉस्पिटल में रहते हैं, आपको क्या पता कि साहबजादी यहाँ क्या गुल खिलाती रहती है। बस आप भाईजान भाभी से कहें जल्दी आ जाइए, मुझसे अब ये लड़की अपने घर में बर्दाश्त नहीं होती है। ओके, दे आर कमिंग नेक्स्ट वीक, सो आने दो उनको। कैसा लगा तुम्हें मेरा ऑफिस? वाओ, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ तो तुम बोर तो नहीं हो रही? कुछ खास नहीं। इसका मतलब है थोड़ी बहुत बोरियत है। मैं अब्दुल कादिर से कहूंगी तुम्हें बोर ना होने दे, तुम्हें कंपनी दे। वैसे कैसा लगा तुम्हें अब्दुल कादिर? आई मीन एज अ फ्रेंड। He's a very nice guy. लेकिन थोड़ा खामोश है। हाँ, शुरू से ही ऐसा है। दरअसल मैं और सिद्दीकी हम उसे पूरी तरह वक्त नहीं दे पाए, बहुत मसरूफ रहे तो वही यूँ अपने अंदर सिमटता चला गया। उसे लोगों से मिलने की, घुलने मिलने की आदत नहीं रही। आई थिंक ही नीड्स अ फ्रेंड और तुम उसकी ये कमी पूरी कर सकती हो। हेलो,
मैं यार पाशा का वेट कर रही हूँ, जब से वो आ ही नहीं रहा है, तो जैसे ही वो आएगा हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? जस्ट टू मिनट्स, जस्ट टू मिनट्स, ओके बाय। कहाँ रह गए थे तुम जब से फोन कर रही थी? फिर सामने होते ना जान से मार देती। हाँ भागी हो ना, अब मार लो, पीछे मरो। इसको मारना आसान है क्या यार? किस भैंस की नस्ल से ताल्लुक है तेरा? ये भला एक यू थोड़ा ही जो एक ही थप्पड़ से मर गए। क्या मतलब क्या तुम्हारा, क्या मतलब क्या तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो? तो बॉबी कुछ भी बकता रहता है यार, काम डाउन। वाह जगर, बड़ी जान है तुझमें, पर ये जान दोस्तों पे नहीं दुश्मनों पे आजमा। क्या कर रही तुम यार? चलो देख के नहीं चल सकते। कल किसे दे रहा बे? तुम्हें दे रहा हूँ, किसे दूंगा? अरे पिटेगा पिटेगा। क्या कर गया लोग? अबे तेरी यार, बचाओ उसे यार, मार पड़ने जैसे। बड़ी मस्ती है इसके अंदर। शट अप, हेल्प हिम। एक्यू हेल्प हिम, पाशा हेल्प हिम यार। You guys help him. Pasha help him na yaar, wo bechara mar jayega. Okay okay. Jaldi karo, mar jayega wo, jaldi karo. Enough. हेलो, क्या फराज कहाँ है? अब्दुल कादिर कैसा है? वो ठीक है आंटी, डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। हुआ क्या था? सुबह मैं उसे अपने साथ जिम लेके गया था आंटी, मैं अंदर एक्सरसाइज कर रहा था, वो मुझसे पहले बाहर आ गया, और जब मैं बाहर आया तो कुछ लोग एक ही को मार रहे थे। मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आया और आपको इन्फॉर्म किया, और आंटी उसने मुझसे भी 15,000 रुपये उधार लिए थे। 15,000? मैं शायद इस बात का जिक्र आपसे कभी ना करता, पर आजकल उसकी जिस किस्म के लोगों के साथ दोस्ती है, मुझे लगा कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, तुमने तुमने अच्छा किया बेटा। लड़के का पता करवाया आपने? क्या पता करवाऊं? फराज की जबानी सारे वाकये की तफसील तो तुम्हें पता चल चुकी है। एक मामूली सी बात पर इसने झगड़ा किया। आप इस बात को अहमियत नहीं दे रहे कि इतना पीसफुल बच्चा इतना एग्रेसिव कैसे हो गया? तुम क्या चाहते हो, क्या करो? और वैसे भी जहां तक इस वाकये का ताल्लुक है, इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। कमाल के बाप हैं आप। आपका बच्चा जख्मी पड़ा है और आप बजाय इसके कि उस लड़के को सजा दिलवाएं सुकून से बैठे, उल्टा कसूरवार मुझे ठहरा रहे। तो और क्या करो, एक पल के लिए तुमने उसे चैन से नहीं रहने दिया, हर वक्त की मदाखलत, हर वक्त की रोक टोक, आखिर यही नतीजा निकलना था इस बात का। ठीक है, मुझे पता है आपने कुछ नहीं करना, ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही करती हूँ। खुदा का वास्ता हालात को मजीद मत खराब करो,
आयशा के रिश्ते की बात करके तुमने उसे खुद मुतनफर किया है। बस इस बारे में अब हम मजीद बात नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो बात, लेकिन फिर अपने आप को शॉक्स के लिए तैयार रखो। जरीन, कल तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई थी? मेरी नहीं तो? झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगी मैं, नहीं हुई थी मेरी किसी से लड़ाई। मीरा का फोन आया था, अब्दुल खादर बहुत जख्मी है। हाँ, एक्यू की लड़ाई हुई थी। हाँ, मकाम ही कूद पड़ा। जब तुम में लड़ने की ताकत नहीं है तो क्यों पंगे ले रहे हो? एक तो वो बेचारा इतना जख्मी है और तुम हंस रही हो। तो क्या करूं, क्यों इतना माचो बन रहा था? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मतलब, जिसको देखो मुझे इल्जाम देता रहता है। अब्दुल खादर को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत ही सीधा साधा और मासूम सा लड़का है, लेकिन वो जब से तुमसे मिला है ना, कुछ बदल सा गया है। तो आप एक काम करें, आप और उसकी मम्मी मिलके उसे लड़कियों की तरह घर में बिठा दें। घर तो अब आप जाने वाली हैं, आपके मम्मी और पापा आ रहे हैं। चलिए अपना सामान पैक कर लीजिए। थैंक गॉड, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जेल में रहने का। कैसे हो? ठीक हूँ। इतने दिन हो गए तुम कहीं बाहर नहीं निकले। बाहर निकलो, घूम फिर कर आओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। आयशा भी बहुत बोर हो रही है, उसे भी ले जाओ साथ। पैसे चाहिए? आओ मैं देती हूँ। हेलो। हाय जरीन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझसे मिलने भी नहीं आई, आई वाज वेटिंग फॉर यू। यार तुम्हारी मम्मी से बहुत डर लगता है, वरना मैं तो आ रही भाई तुम्हारा हाल पूछने। अच्छा क्या प्लान है आज का, मिलते हैं ना रात में? यार आज नहीं हो सकेगा, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज मम्मी डैडी आ रहे हैं तो मैं पैकिंग में मसरूफ हूँ। ओके ओके, टेक केयर, बाय। You know what, अब्दुल कादिर? तुम्हें देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि क्या लगता है? ये कि तुम इंसान नहीं हो, कोई आइसबर्ग हो। Really? तुम जैसे दिखते हो ना वैसे हो नहीं, अंदर से कहीं ज्यादा गहरे हो, मिस्टीरियस हो, और मुझे अपना आप एक टाइटैनिक लगता है। बेटा तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। काश ऐसा हो सकता। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? पता नहीं। पता नहीं या बताना नहीं चाहते? I know, ये हमारी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई है ना कि तुम अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर करो। No, no, it's not that. I just don't have any secrets. मेरी दुआ है कि ऐसे ही हो, लेकिन मुझे अपनी दुआ कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत मुश्किल बातें नहीं करते। अच्छा चलो आसान बात करती हूँ, आइसक्रीम खाने चले। तो आज पैकिंग में मसरूफ नहीं थी? हाँ थी तो, लेकिन फिर वो आशा का फोन आ गया था ना, तो मैंने भी सोचा थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। फोन तो मैंने भी किया था तुम्हें, तब बिजी थी ना यार।
ये कौन है तुम्हारे साथ? कभी इसका तारुफ नहीं कराया। तुम्हारा ऑल्टरनेट। लगता है कुछ मरम्मत होनी बाकी है। स्टॉप इट पाशा। दुलकातर क्या कर रहे हो? देख लूंगा तुम्हें। हाँ देख लेना, अभी जा, बहुत देखे तेरे जैसे। मैं अब्दुल कादिर हूँ।